एंटरटेनमेंट की दुनिया से बेहद दुखद और शॉकिंग खबर सामने आई है। मशहूर टीवी एक्टर ऋतुराज सिंह का निधन हो गया है। 59 की उम्र में एक्टर ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। एक्टर की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है। टीवी शोज, वेब सीरीज और फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ने वाले दिग्गज कलाकार की मौत की खबर से उनके फैंस को तगड़ा झटका लगा है। परिवार वाले भी सदमे में हैं, हर तरफ सन्नाटा पसर गया है। न्यूज एजेंसी संग बातचीत में एक्टर अमित बहल ने ऋतुराज की मौत को कंफर्म किया है। उन्होंने बताया कि ऋतुराज को बीती रात करीब 12:30 पर कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद उनका निधन हो गया। सिंटा चीफ ने ये भी बताया कि ऋतुराज को पहले से पैंक्रियास से संबंधित हेल्थ इश्यूज थे और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। प्रोड्यूसर संदीप सिकंदवी ऋतुराज सिंह की मौत से काफी दुखी हैं। एक्टर की मौत पर उन्होंने कहा, मैं शॉक्ड हूं। ये खबर सुनकर मेरा दिल टूट गया है। आज सुबह किसी ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ये न्यूज शेयर की थी और तभी से मैं सदमे में हूँ। मैंने ऋतुराज सिंह के साथ काफी समय काम किया है। उस दौरान वो इकलौते ऐसे एक्टर थे जिन्होंने सेट पर मेरा काफी प्यार से वेलकम किया था। सभी जानते हैं कि वो एक शानदार एक्टर थे, लेकिन इससे कहीं ज्यादा वो एक शानदार इंसान थे। उनकी मौत की खबर से मुझे बहुत तगड़ा झटका लगा है। आशा करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी पत्नी और बच्चों को इस मुश्किल समय का सामना करने का हौसला मिले। ऋतुराज सिंह ने न सिर्फ टीवी में बल्कि फिल्मों और वेब सीरीज में भी बढ़िया काम किया। अपने हर किरदार में वो आसानी से ढल जाते थे। यही वजह थी कि उनकी अदाकारी हमेशा लोगों के दिल को छू लेती थी। टीवी शो की बात करें तो ऋतुराज ने हिटलर दीदी, शपथ अदालत, आहट, दिया और बाती जैसे शो में काम किया। आखिरी बार उन्हें अनुपमा में देखा गया था।